सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 75 रुपीस कॉइन के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत सरकार द्वारा 1, 2, 5, 10 एवं 20 रुपए के सिक्के जारी किए जाते हैं, लेकिन 75 रुपीस का सिक्का भी भारत सरकार जारी कर चुकी है। क्या आपको पता है? नहीं पता तो यह वीडियो देखें। आज हम जानेंगे इस सिक्के के बारे में, इस सिक्के में क्या है, फ्रंट में, रिवर्स में, और यह सिक्के कब जारी किए गए, क्यों जारी किए गए, इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, 75 रुपीस का यह सिक्का भारत सरकार जारी कर चुकी है। दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस दिन को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक संस्थापक सदस्य है जिसने 1948 में शुरुआत के साथ काम करना शुरू कर दिया था। भारत के डॉक्टर विनय रंजन सेन ने 1956 से 1967 तक FAO के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। यह स्मारक सिक्का भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को FAO की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर जारी किया गया है। FAO को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन प्रथाओं में सुधार करने हेतु गठित किया गया था। 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 का यह सिक्का 75 रुपीस के डिनोमिनेशन में जारी किया गया है। इस सिक्के के आवर्स में सबसे ऊपर भारत देवनागरी में और राइट हैंड साइड इंडिया इंग्लिश में दिया गया है। भारत और इंडिया के बीच में एक बड़ा सा स्टार का चिन्ह दिया गया है और इस सिक्के के मध्य में बड़ा सा अशोक एम्बलम दिया गया है। अशोक एम्बलम के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते और बाईं तरफ रुपए लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड रुपीस इंग्लिश में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते के नीचे इस सिक्के का डिनोमिनेशन 75 बड़े अक्षरों में दिया गया है। इस सिक्के के रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में बड़ा सा सूरज सबसे ऊपर दिया गया है और सूरज के बीच में कैपिटल लेटर में FAO लिखा गया है। मध्य में खिले हुए कमल का फूल है और कमल के फूल के नीचे इस सिक्के का मिंटिंग ईयर 2020 दिया गया है और मिंटिंग ईयर के नीचे देवनागरी में सही पोषण देश रोशन यह नारा लिखा गया है। चार धातुओं को मिलाकर इस सिक्के का उत्पादन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से सिल्वर 50%, कॉपर 40%, निकल 5% और जिंक 5%। इन चारों धातुओं की मिश्र धातु से बनाए गए इस सिक्के का वजन है 35 ग्राम, शेप है सर्कुलर, डायमीटर मतलब इसका व्यास है 44 mm और इसके दांतों की संख्या भी है 200। दोस्तों, वैसे तो 75 रुपीस वाला यह सिक्का मार्केट में आ चुका है, लेकिन यह सिक्का जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं निकाला गया है। यह सिक्का सिर्फ UNC सेट और प्रूफ सेट में ही निकाला गया है, सिक्का संग्राहकों के कलेक्शन के लिए। यदि आप कॉइन कलेक्टर हैं और आपके कलेक्शन में यह सिक्का नहीं है तो आप ऐसे सिक्के को खोजकर किसी भी दुकान से, किसी एग्जीबिशन में जाकर इसे खरीदें और अपनी कलेक्शन में शामिल करें। ऐसे सिक्कों से आपके कलेक्शन की वैल्यू बढ़ती है, आपके कलेक्शन की खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं। आपके पास यह सिक्का है या आपने यह सिक्का पहले देखा है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आप द करेंसीपीडिया पेज पर पहली बार आए हों
तो आप इस पेज को फॉलो करें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह वीडियो शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपके पास यह सिक्का आपके कलेक्शन में है या नहीं है, और यदि है तो आपने यह सिक्का कहाँ से लिया और कितने में लिया, ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम पड़े कि उन्हें यह सिक्का लेना हो तो क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से तरीकों से वह इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत विज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, कोई भी काम करते वक्त यह हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर आपको सदैव देख रहे हैं। आप हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, बहुत ही जल्द फिर मिलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।